हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ मलयालम मूवी पुकालम के बारे में, जो आपको डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 17 मिनट का है। आपको ये हिंदी डबिंग में भी अवेलेबल है, लेकिन उसको लेकर मेरी एक शिकायत है जो मैं ड्रॉबैक्स में बताऊंगी आपको आगे चलकर। बाकी आप जब भी किसी बूढ़े कपल को हंसते बोलते एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ने में मदद करते हुए पाते होंगे, तब आपके मन में एक बार ये विचार मेरी तरह ही ज़रूर आता होगा कि काश हमारे पार्टनर के साथ हमारी जर्नी भी इतनी ही लंबी और खुशहाल रहे। लेकिन शायद हम उस हंसी के पीछे के जो जीवन के उतार चढ़ाव के अनुभव हैं, की गई गलतियाँ, दी गई माफियाँ और जो अपनों के खोने का गम है, उसे देखना भूल जाते हैं। ये मूवी पुकालम, जिसका मतलब होता है फूलों की रंगोली, जो अलग अलग रंगों के फूलों से बनी होती है, एक बूढ़े दंपत्ति के खट्टे मीठे तीखे कड़वे अनुभवों के थ्रू यही दिखाना चाहती है। तो क्या ये मूवी ये करने में सक्षम हो पाई है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी पुकालम, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो पूरी मूवी को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। अलग अलग सेक्शन को नाम दिए गए हैं जो अंदर चल रही स्टोरी से रेजोनेट करते हैं। ये जो बूढ़े दंपत्ति हैं, इनकी 3 जनरेशन हम देखने वाले हैं। इनकी पोती एचसी की आज एंगेजमेंट है, जो बहुत ही एक्साइटेड है अपनी एंगेजमेंट और आने वाली शादी को लेकर। अचानक ही कोइंसिडेंट होता है कि जो अंकल जी हैं, इनको अपनी पत्नी के पूर्व प्रेमी का प्रेम पत्र मिल जाता है, जिसे पढ़कर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनकी 80 साल की जो मैरिड लाइफ है उसकी नींव हिल जाती है। वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देने तक पहुंच जाते हैं। बात डिवोर्स की वजह से कोर्ट में जाती है और यहाँ एंट्री होती है विनीत और बेसल जोसेफ की एज अ जूनियर एडवोकेट एंड जज, जो एक दूसरे के दोस्त भी हैं। उनके कॉमिक सीन्स, ओ माई गॉड, इतनी ज़्यादा जो सीरियस सिचुएशन चल रही है ना, इसको इतना लाइट बना देते हैं, आपको इतना गुदगुदाते हैं कि आप चाह कर भी डार्क जोन में नहीं जा पाते हैं और हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें परिवार में होती हैं, हर परिवार में होती हैं सीक्रेट्स, और वो दबे हुए सीक्रेट्स इस परिवार में भी हैं और वो उभर कर आने लगते हैं जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है। स्टोरी बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी गई है और एंड तक आते आते आपके पास मिक्स्ड इमोशन होंगे। आप दुखी भी हो रहे होंगे, साथ में आपके आँखों में खुशी के आंसू भी होंगे। एंड सीन इतना ज़्यादा प्यारा है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव्स बताती हूँ और कुछ नेगेटिव्स। पहला पॉजिटिव है वो है इसका रियलिज्म। जनरली आपको ये चीज़ें मलयालम सिनेमा में देखने को आसानी से मिल जाती हैं। ये तब हो पाता है जब मेन कैरेक्टर के अलावा सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, इवन जो बैकग्राउंड में खड़ा इंसान है, उसको पता हो कि सीन में क्या चल रहा है और उन्हें क्या पोर्ट्रे करना है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी यही आपको मिलने वाला है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक लगने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं लगती है। इवन कॉमेडी सीन्स भी यहाँ पर रियलिस्टिक लगेंगे आपको। देन सेकेंड चीज़ हो जाएगी, जो लोकल कल्चर है उसको जो क्रिश्चियन कल्चर के साथ मिक्स करके दिखाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आता है। चाहे वो डेथ के रिचुअल्स हो या आपके घर में कोई आया है तो उसका वेलकम है, तो उसको ये लोकल जो एसेंस है उसको भूलते नहीं है, उसको मिक्सअप करके दिखाते हैं। थर्ड चीज़ हो जाएगी, जो कहानी है वो बहुत ही प्यार से लिखी गई है, उसका जो मैसेज है वो ऐसे डिलीवर होता है जैसे आपके सर पर हाथ फेर कर आपको कोई समझा रहा हो कि बेटा जीवन ऐसे ही होता है, उसमें ऐसा ही होता है सबके साथ। तो वो मुझे बहुत पसंद आया है। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो कहानी किसी किसी को बहुत लंबी लग सकती है, ये 2 घंटे 17 मिनट की है। कहीं कहीं पर सीन्स आपको ऐसा लगेगा कि ज़बरदस्ती खींचे जा रहे हैं, लेकिन हम किसी बूढ़े इंसान के बारे में देख रहे हैं तो चीज़ें थोड़ी स्लो ही चलेंगी। एंड द लास्ट ड्रॉबैक इज़ इसका जो हिंदी डबिंग वर्जन है वो मुझे बहुत परेशान करता है। जब मैंने उसमें देखने की कोशिश करी जो कि अवेलेबल है, तो उसमें मेन आंटी हैं उनकी आवाज़ है और 2-3 और जो सपोर्टिंग कलाकार हैं उनकी आवाज़ एक ही जैसी लग रही है और बहुत ही फ्लैट लग रही है, कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये मुझे बहुत दिक्कत कर रहा था। तो आप हिंदी में अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी जो इमोशंस है वो फील नहीं हो पाएंगे। बाकी ये मूवी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्योर हार्ट है इसका, और मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ कर ये मूवी देखें। दैट्स इट, बाय बाय।